नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसे कि रेलवे में जो मान्यता के लिए इलेक्शन होने वाले हैं उनको लेकर के रेलवे बोर्ड का एक आदेश आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह रेलवे बोर्ड का आदेश है कि लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद जुलाई और अगस्त में रेलवे की जो मान्यता का इलेक्शन है वह होने की पूरी पूरी संभावना है। रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं। जो अभी मान्यता प्राप्त यूनियन AIRF और NFIR हैं उनको यह निर्देश दिए हैं कि आप लोग जो मान्यता के लिए इलेक्शन होने वाला है उनकी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ही जल्द जुलाई से अगस्त में रेलवे की जो मान्यता का इलेक्शन होगा। दोस्तों लास्ट समय 2013 में रेलवे की मान्यता के लिए इलेक्शन हुआ था, उसके बाद अभी तक रेलवे में यूनियन के मान्यता के लिए चुनाव नहीं हुआ। इसको लेकर के एक बार दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बताया था कि रेलवे में जो कर्मचारी संगठन है उनका अधिकार का हनन हो रहा है, तो रेलवे में मान्यता के लिए चुनाव होना चाहिए। इस पर रेलवे बोर्ड ने एक सख्त निर्देश निकाला है, एक आदेश निकाला है कि जल्द ही मान्यता के लिए चुनाव होगा। इसको लेकर के सभी कर्मचारी संगठन अपने अपने स्तर पर तैयारी करेंगे कि मान्यता के लिए हम इलेक्शन में जीते। जो अभी बड़े यूनियन AIRF और NFIR है वे भी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि हम फिर से रेलवे में मान्यता की जो इलेक्शन है वह हम फिर से जीते। इसको लेकर के दोस्तों जो रेलवे का जो सबसे निम्न स्तरीय और सबसे शोषित कर्मचारी जो ट्रैक मेंटेनर है उनकी आवाज़ों को उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और बहुत समय से उनकी मांगों को रेलवे बोर्ड तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। तो जब अभी इलेक्शन की जब सुगबुगाहट हुई है तो जो बड़े बड़े यूनियन हैं उनके पास जो ट्रैक मेंटेनर की मूलभूत समस्याएं हैं जो उनकी बेसिक समस्याएं हैं वह दोस्तों बहुत ही जल्द पूरी होने की उम्मीद हो सकती है। जैसे कि दोस्तों चुनाव होता है तो बहुत सारी मांगों को पूरी करवाया जाता है, तो इसको लेकर के भी अगर इलेक्शन की चुनाव मान्यता के लिए चुनाव होता है तो जो ट्रैक मेंटेनर के भी बहुत सारी मांगों को पूरी करवाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे अधिक संख्या ट्रैक मैन की है, तो उनका वोट जिसके पास जाएगा वे मान्यता के इलेक्शन में चुनाव को जीतेंगे। तो दोस्तों सभी जो ट्रैक मैन है उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनकी जो मूलभूत मांगे हैं जो LDC ओपन फॉर ट्रैक मेंटेनर की मांगे हैं, जो 30% रिस्क अलाउंस की मांगे हैं और भी जो मांगे हैं, इस मांग में से सारी मांग पूरी दोस्तों बहुत ही जल्द जो बड़े बड़े यूनियन है वे ट्रैक मेंटेनर को अपने पक्ष में लेने के लिए इनकी जो मांगे हैं LDC ओपन टू ऑल, 30% रिस्क अलाउंस, इन मांगों को वे लोग जरूर दोस्तों पूरी करवाएंगे। इसको लेकर के रेलवे में यूनियन का इलेक्शन से पहले ट्रैकमैन के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि LDC ओपन फॉर ट्रैक मेंटेनर या हार्ड रन रिक्स अलाउंस जो बढ़ाया गया है और जो बढ़ाया जाना है उसको लेकर के जो बड़े बड़े मान्यता में यूनियन है वे इसको रेलवे बोर्ड में रख सकते हैं और इसको पूरी करवा सकते हैं, ऐसा दोस्तों संदेश आ रहा है। दोस्तों चुनाव होना चाहिए समय समय पर, अगर चुनाव होए तो ट्रैकमैन की जो मांगे हैं जो आवाज़ है वह भी आज रेलवे बोर्ड में गूंजता और उनकी बहुत सारी मांगे पूरी होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि दोस्तों इलेक्शन ही नहीं हो रहा था तो इलेक्शन अब होने वाला है। सभी ट्रैकमैन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है LDC Open 12 को लेकर के और 30% रिक्स अलाउंस को लेकर के, 4200 ग्रेड पे के जो मुद्दा है उसको लेकर के, इन सारी मुद्दा में से जरूर दोस्तों एक न एक मांगे को जरूर पूरी होना चाहिए इस मान्यता प्राप्त यूनियन इलेक्शन से पहले। और जरूर दोस्तों जो AIRF है NFIR है वे जरूर पूरी करवाएंगे क्योंकि उस तो ट्रैक मैन को अपना मत लेना है। और इसको लेकर के ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मैन यूनियन अधिक प्रयास कर रही है, वे भी इस प्रयास में है कि LDC ओपन और जो 30% रिक्स अलाउंस है यह जल्द से जल्द यूनियन इलेक्शन से पहले सभी ट्रैक मैन को दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के वे भी संघर्ष जारी रखे है और आने वाले समय में जो भी यूनियन इन 30% रिक्स अलाउंस और LDC ओपन टू ऑल की मांग को जो यूनियन पूरी करवाएंगे उसको ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन
अपना समर्थन देने की उम्मीद जताई जा सकती है। तो दोस्तों इलेक्शन होगा, बहुत ही अच्छी बात है, इलेक्शन होना चाहिए। इस इलेक्शन में ट्रैकमैन के लिए खुशी की बात निकल कर आ सकती है, उनकी मांगों को पूरा करवाया जा सकता है। दोस्तों यही बहुत बड़ी अपडेट था रेलवे बोर्ड के द्वारा, और ट्रैकमैन के लिए यही खुशखबरी है कि ट्रैकमैन की मांगें जरूर पूरी हो सकती है। दोस्तों इसी प्रकार के अपडेट मैं बताते रहता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और सभी कर्मचारियों को बताइए कि रेलवे में यूनियन का इलेक्शन होने वाला है, सभी अपना अपना एक्टिव रहे। और जो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन की जो गतिविधियाँ रहेंगी, उन सारी गतिविधियों को सभी ट्रैक मेंटेनर को फॉलो करें और अपनी मांगों को लेकर के एकदम दबाव बनाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।